हेलो गाइस, कैसे हो? आज का नई वीडियो लेके तो गाइस आज मैं खेल रहा हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड, और इस वाली वीडियो में एक चैलेंज करने वाला हूँ मैं, और वो चैलेंज है कि मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर तुम सोलो खेलते हो ना तो जो गार्डियन फेरो आता है ना ऊपर जाकर जिससे फाइट होती है वो हल्के लेवल का आता है, डुओ खेलते हो थोड़ा और बढ़ जाता है, और स्क्वाड में आता बहुत ज्यादा खतरनाक, ठीक है। मतलब अकेले मारना उसे बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन आज तुम्हारा भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड में उसे निपटाने वाला, मतलब स्क्वाड वाले को मैं अकेला निपटाऊंगा सोलो बिल्कुल। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे GTA 5 की नई वीडियो आ चुकी है फेस कैम के साथ मेरे सेकंड वाले चैनल पे, जिसमें मैंने एक इलेक्ट्रिक लैम्बोर्गिनी चुराई है जो कि बहुत हार्ड पड़ी थी भाई चुराने, मतलब काफी ज्यादा दिक्कत हो गई थी। तो यार उसे जाकर देख लेना, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, काफी तगड़ी वीडियो है। और अब चलते हैं अपने गेम की तरफ। अब यहाँ पे कहते हैं उस जाइंट का वेट कर रहा था, वो आएगा मैं ऊपर जाऊंगा, लेकिन ये भाई मजे में भाई वेट कर रहे थे मेरी तरह, लेकिन खुले आम मैं यहाँ पे पेड़ के पास इसलिए ही था क्योंकि हो सकता है कोई आसपास भाई बैठा हो भाई एमएम लेके, लेकिन ये बंदे बिल्कुल नहीं डरते, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं थी, है ना। लेकिन मैं इन तीनों को लपेट देता हूँ। खैर आप कैसा फुल बूस्ट मार, तो सबसे पहले तो दो M249 ले रखी थी मैंने सामने, ये जिंदा होने वाला है और स्क्वाड वाला है, कोई ऐसा नहीं भाई हल्का वल्का, तो बहुत ज्यादा तबाही मचेगी, अभी देखते जाओ मतलब कैसे निपटाता हूँ मैं इसे। और बीच में तो भाई कई बार मरते हुए बचता हूँ मैं। अब यहाँ पे कैसे उठने लगा था तो रेडी हो जाता हूँ। अब यहाँ पे कहीं पूरी तरह से जागा भी नहीं था मैं, उससे पहले ही शुरू हो गया था भाई गोली बरसाना, क्योंकि भाई थोड़ी बहुत है इसकी पहले से कम हो जाएगी चक्कर में, जो मैं बरसाने लगा था गोलियां, और जैसे कि आप ऊपर इसकी हेल्थ देख सकते हो थोड़ी सी कम हो चुकी है, और सबसे पहले अटैक करता है मेरे ऊपर, लेकिन मैं हट जाता हूँ साइड में हट जाता हूँ। फिर जहाँ जहाँ यार ये गोल्डन कलर का साइन आ रहा है ना मेरे को वहाँ पे मारना है, उससे मतलब ज़्यादा डैमेज पड़ेगा, रेड कलर के साइन भी आते हैं जैसे हेडशॉट लग रहा हो। अब ये फेंकता मेरे ऊपर तूफान और भाई उसमें यार फंस जाता हूँ, तो मेरी हल्की सी हेल्थ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं दोबारा बरसाता हूँ फिर गोलियाँ। और यहाँ पे गाइस आपको ना अटैक से ज्यादा डिफेंस पे ध्यान रखना है, क्योंकि अटैक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना डिफेंस है यहाँ पे। यहाँ पे इसके दो बच्चे पैदा होते हैं, तो सबसे पहले इन्हें लपेटता हूँ, और भाई वो पीछे से मेरे ऊपर घुटमुट मार रहा था मजे में। खैर उसके हाथ पे मैं काफी गोलियां बरसाता हूँ, और जब जब तुम उसको काफी डैमेज देते हो तो भाई लूट फेंकता है वो, तो लूट की कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पे आके, और इसके बस अटैक से बचना है कुछ भी करके। ये भाई यहाँ पे फेंक रहा पता नहीं क्या, गोबर कर रहा था हाथों से वो भी। खैर अबे तूफान आता है इसका, और ये ज़ॉम्बी तो मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं यार, मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको बताया था बहुत बुरे लग रहे हैं मेरे को कसम से। खैर लपेटता हूँ इसके पेट पारा गोल्ड साइन, और जब ये हाथ फेंकता ना तुम इसके हाथ पे चढ़ के ना इसके भाई बिल्कुल गर्दन पे मारते हो, तो देखो अब ये काफी मस्त लगता है यार मेरे को, मतलब साउथ की मूवी वाला सीन हो जाता है बिल्कुल। अब दोबारा इसके बच्चे पैदा होते हैं यहाँ पे, तो दोबारा लपेटेंगे इसे, और यहाँ पे लूट फेंक रहा था मस्त, तो गोली वोली की कोई टेंशन नहीं है, गोली तो मिल जाएंगी मेरे को काफी। तो यहाँ पे इन्हें अगेन निपटाता हूँ मैं, और अब बारी थी भाई इसकी, दोबारा इस पर फोकस लाता हूँ पूरा, और भजाते हैं भाई फिर से इसको, और अब इसका फिर से हाथ आएगा, फिर से गाइस मैं ऊपर चढ़ूंगा और उसके गर्दन पे देखो क्या ही मारूंगा। तो यार मेरे को ना सबसे बेस्ट यहाँ पे M249 नहीं लग रही है भाई, मतलब इसकी गोलियां ना कम खत्म होती हैं, बहुत देर बाद खत्म होती है, तो इसलिए काफी तगड़ी है, बस 5K एमो फेंक कर रही है। यहाँ पे मैं इस पत्थर के पीछे छुप जाता हूँ, और ये अगेन भाई अपने दो बच्चों को पैदा करता है। अब यहाँ पे इसकी मैं काफी हेल्थ लो कर चुका था, देख रहा भाई कैसे पागल सा हो रहा है, और अभी बहुत खतरनाक होने वाला, जैसे जैसे हेल्थ जाती है ना ये और खतरनाक हो जाता है, अभी एक हवा से छोड़ेगा जो कि हेल्थ खाएगी बहुत गंदी। खैर पहले इन्हें लपेटता हूँ मैं, और ये तो बहुत ही बुरे लग रहे हैं भाई मेरे को, ये पागलों की तरह मेरे कुल्हाड़े से चलाते रहते हैं, और इसकी शील्ड भी है, शील्ड पर मारोगे तो इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। और यहाँ पे अभी आयरन मैन सा बन चुका है एक तरह से, तो इसके दिल पे मारना है मेरे को, और यहाँ पे ये जो हवा आती है ना ये बहुत गंदी हेल्थ खाती है भाई, इससे बचना होता कुछ भी करके। तो यहाँ पे मैंने गलती कर दी, मैं नहीं बच पाया, लेकिन मेरे पास ये फोर्टनाइट जैसा जुगाड़ था जिसमें कि भाई बूस्ट वूस सब फुल हो जाएगा, तो यहाँ पे भाई ये गुट मारता है और इसमें उछलना पड़ता है, तो मैंने दो बार मिस्टेक करी है, लेकिन अब नहीं करने वाला हमें, क्योंकि मेरे को पता चल चुका था भाई कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे फिर से मारे गए नीचे, लेकिन मैं इस टाइम पे जंप लगा देता हूँ तो बच जाता हूँ मैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, और फिर से इसके दिल पे बजाता है गोली। और जहाँ पे यार लाल साइन आता है ना ये बहुत काम की चीज़ है, मतलब पहले हट जाओ लेकिन फिर इसके पीछे आ जाओ, क्योंकि जब ये हवा छोड़ेगा ना वो तूफान सा, तो यही चीज़ तुम्हें बचाती है। अब देखो ये हवा से छोड़ने लगा तो मैं इसके पीछे हूँ, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ, लास्ट में हल्का सा पड़ता है जब ये हटा देता उसे, लेकिन कोई बात नहीं बहुत थोड़ा होता है वो। अब फिर से आ जाते हैं भाई, ये बहुत बुरे लग रहे हैं मेरे को, मतलब ये मत दो यार बस। खैर M249 है भाई, M249 मेरे को तो लग रहा है सबसे बेस्ट चीज़ है इसके लिए, लेकिन एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ होनी चाहिए जब है।
और भाई यहाँ पे देख रहा हूँ हेल्थ मेरी, मतलब यहाँ पे कहीं दूसरी बार मैं मरते मरते बच रहा हूँ। और इस बार तो मेरे पास वो मटका सा भी नहीं है कि मैं मतलब हेल्थ जल्दी से फुल मार लूँ, यहाँ पे टाइम लगने वाला है मेरे को। लेकिन सबसे पहले मैं इसे लपेटता हूँ और फिर मारूंगा हीलिंग। लेकिन यहाँ पे M249 मेरी रिलोड पे जा चुकी थी, जीरो गोली थी दोनों, भाई क्या ही बच रहा हूँ मैं यहाँ पे। और वो हवा से छोड़ने लगा ना इस टाइम ये, तो भाई मैं गया। और अब देखो भाई, अगर ये इंपैक्ट कर देता ना, गया था मैं, लेकिन बच गया मैं यहाँ पे। और हीलिंग में बाद में करूँगा, और अब करेंगे हीलिंग इसके पीछे मजे में छुप के। भाई ये मजे में मतलब हमें चांस देता है कि हीलिंग कर ले, कोई बात नहीं, अभी धुआं छोड़ेगा, अगर ये धुआं लग जाए ना मेरे को भाई मैं खत्म हूँ। लेकिन मैं इसके पीछे छुप के यहाँ पे हीलिंग कर लेता हूँ मस्त। और अब काफ़ी कम हेल्थ है इसकी, मतलब इतनी भी कम नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी कम हो चुके, तो लपेटते हैं इसे। अब यहाँ पे भाई इसने बच्चों की फैक्ट्री लगा रखी थी, मतलब बार बार पैदा हो रहे थे। और ये मारेगा भाई गुट, और इस टाइम पे कूद जाना चाहिए बस, तो इजीली मतलब तुम इसे लपेट सकते हो। एक बार तुम सीख जाओ ना भाई कहाँ पे क्या करना है, फिर तो इजी है इसको मारना। लेकिन ये थोड़ा हार्ड पड़ता है स्क्वाड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ना इसकी हेल्थ ज्यादा होती है। अगर तुम सोलो खेलोगे ना, और जब इसे निपटाओगे बहुत इजीली मर जाएगा, लेकिन अगर तुम स्क्वाड में अकेले जाओगे इसे मारने, भाई बहुत गलत होने वाला है। अब आप देख रहे हो ना कब से इसे फाइट कर रहा हूँ। अभी फिर गुट मारता है, फिर उछल जाता हूँ, क्योंकि भाई ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे खतरनाक इसका वो तूफान सा है जो वो हवा से छोड़ता है, वो सबसे खतरनाक चीज़ है। अब यहाँ पे गाइस मैं हट इसलिए गया, क्योंकि अगर मैं वहीं पर रहता भाई मैं गया था। और यहाँ पे देख रहे हो हेल्थ मेरी, खैर ये हवा छोड़ेगा अभी यहाँ पे, और मैं यहाँ पे हीलिंग कर लेता हूँ फटाफट। और भाई क्या ही बचा, लास्ट टाइम पे मतलब हल्की सी हेल्थ मेरी चली गई थी, वो फूट गया था मतलब जिसके पीछे मैं छुप के बैठा था। खैर यहाँ पे एक एनर्जी ड्रिंक पीता हूँ और फिर से लपेटते हैं। अब यहाँ पे इसने फिर से एक वर्षा छोड़ दिया, अब फिर से तूफान छोड़ेगा, तो मैं इसके पीछे आ जाता हूँ और भाई सीधा मारता हूँ अब इसके दिल पे दोबारा। और यहाँ पे गाइस मेरी हेल्थ जाती है, कितनी सारी गई है देख रहे हो, आधी हेल्थ चली गई, क्योंकि मैं हल्का सा लेट हो गया था यहाँ पे उछलने में। और मरते मरते फिर से बच रहा हूँ, मतलब चार या पाँच बार ऐसा हो चुका कि मैं मरते मरते बच रहा हूँ। खैर फिर से धवाजी छोड़ता है, लेकिन मैं हेल्थ कर चुका था यहाँ पे, और मैं अभी हट गया था कुछ ज़्यादा ही, मतलब वो हो गया था मैं कि भाई मार दूँ इसे जल्दी से, लेकिन अच्छा हुआ मैं थोड़ा सा रुक गया भाई पीछे, नहीं तो दिक्कत हो जाती। खैर यहाँ पे ये मर चुका है, इसकी हेल्थ काफ़ी कम हो चुकी है, लेकिन अभी पूरा नहीं मरा ये, अभी इसमें दम है थोड़ा सा, तो लपेटते फिर से मारते हैं। और फाइनली इसको हम लपेट देते हैं यहाँ पे। और भाई ये इतनी सारी लूट फेंकता, अब यहाँ पे लूट देखना भाई, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं जो यहाँ पे ना हो, मतलब देखते जाओ बस। यहाँ पे ग्रोजा पड़ी है, ठीक है, वो नई वाली जो स्नाइपर आई है वो पड़ी है, और यहाँ पे एक इमोट तो बनता है भाई संवारने के बाद, मतलब इतनी मेहनत करी भाई संवारने, मतलब तो एक इमोट तो बनता है भाई इसके लिए मस्त साहब। तो यहाँ पे गए सबसे पहले अब लूट चेक कर लेते हैं भाई क्या क्या आया, ठीक है। ज़्यादा तो लूट मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि लूट मेरे पे आया ठीक ठाक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ मैं देख रहा था भाई क्या क्या माला है, और ये स्नाइपर का नाम है भाई AMR, और ये बहुत ही खतरनाक स्नाइपर है यार, मतलब तीन चार गोली में तो भाई ये डांसे वासे उड़ा देती है, तो ये कुछ ज़्यादा खतरनाक है। और मतलब AWM की भी दुगनी तिगनी खतरनाक मानो इसे तुम, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन इसके 10 AMO मिलते हैं, थोड़ी सी ये थोड़ी दिक्कत है, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा तकड़ी गन है ये। खैर गाइस यही था आज की वाली वीडियो में, सिर्फ इससे मेरे को फाइट दिखानी थी आपको कि सोलो वर्सेस स्क्वाड वाले मॉन्स्टर को मैं अकेला कैसे निपटाता हूँ, क्योंकि ये स्क्वाड वाला बहुत ज़्यादा हार्ड आता है यार, मतलब कुछ ज़्यादा ही हार्ड, मतलब ये स्क्वाड के लिए ही बना है, लेकिन मैंने यहाँ पे सोलो निपटाया इसे। तो यार इसी बात पर एक लाइक मार दो गाइस जल्दी से, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और गाइस मेरे GTA 5 की नई वीडियो आ चुकी है फेस कैम के साथ मेरे सेकंड वाले चैनल पर, जिसमें मैंने एक इलेक्ट्रिक लैम्बोर्गिनी चुराई है, जो कि बहुत हार्ड पड़ी थी भाई चुरानी, मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो यार वो वाली वीडियो जाके देख लेना, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ गाइस अब से नेक्स्ट वाली वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।